देखो इक्विवेलेंट किसे कहते हैं, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन बता रहे हैं। पुरानी अगर देखा जाए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो इक्विवेलेंट का जो डेफिनेशन दिया गया था, एक मिनट ये तो सब नया पुराना वाला चाहिए। चलो सब अगर से स्टार्ट करेंगे लिखना, आपको पुराने वाले डेफिनेशन नया वाला दोनों में डिफरेंस बताएंगे कौन ज्यादा आज के डेट में अच्छा है, दोनों समझा जाएगा। इक्विवेलेंट वेट किसे कहते हैं, तो हम लोग बोलते हैं इट कैन बी, ये ओल्ड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डेफिनेशन लिख रहे हैं, इट कैन बी डिफाइंड एज, इट कैन बी डिफाइंड एज द मास ऑफ सब्सटेंस, द मास ऑफ सब्सटेंस विच कैन बी कंबाइंड विथ, विच कैन बी कंबाइंड विथ, किसके साथ कंबाइन होने जा रहा है, देखो ध्यान से, 1 ग्राम H2 या फिर 335.5 ग्राम क्लोरीन या फिर 80 ग्राम ब्रोमीन या फिर 32 ग्राम ऑक्सीजन, एट ग्राम ऑक्सीजन। फर्स्ट है 1 ग्राम हाइड्रोजन, 35.5 ग्राम क्लोरीन, 80 ग्राम ब्रोमीन एंड 8 ग्राम ऑक्सीजन। चलो अब सब लोग क्या करो, एक मिनट समझ लो अच्छे से, पहले हम क्या इसमें बोलना चाह रहे हैं। इक्विवेलेंट वेट का डेफिनेशन है कि वैसा इट कैन बी डिफाइंड एज द मास ऑफ सब्सटेंस विच कंबाइन विथ, यानी कि वैसे मान लो कोई भी सब्सटेंस का मास जो कंबाइन होता है 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ या फिर 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ या फिर 80 ग्राम ब्रोमीन 35.5 ग्राम क्लोरीन, कोई भी सब्सटेंस का मास अगर इसके ग्राम से, आप जितने एटम्स दिख रहे इतने ग्राम से अगर कंबाइन होता है तो उसको उसी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट कहेंगे। कहोगे कुछ नहीं समझ में आया मतलब, अब एक एग्जांपल देके समझा रहे हैं। जैसे मान लो कि मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है और दोनों रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। बैलेंस है देख लो, पहले दो ऑक्सीजन है एक ही है और यहां पे 2 लगा, अब देखो बैलेंस है। अब आपसे पूछा जाए कि हमको बताओ कि मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, ठीक है चलो चेक कर लेते हैं मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट वेट अगर आपको निकालना है तो। यहां पर हमको पहले चेक करना पड़ेगा इसके अंदर, यहां पर 2 ग्राम आपके पास है, 2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम है और 2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें दिख रहा है। अब देखो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको देखने से अगर हम मैग्नीशियम का सिर्फ अभी वेट बताएं तो मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट कितना होता है, नहीं याद है, नहीं वो तो ऑक्सीजन का होता है 24 होता है, तो 24 इंटू 2 कितना हो गया 48 ग्राम मैग्नीशियम। अब यहां पे चलो चेक करो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना ग्राम है, एक ऑक्सीजन का वेट 32 हो जाएगा, एक ऑक्सीजन का वेट 16 होता है, दो ऑक्सीजन है तुम्हारे पास 32 हो जाएगा ना। तो अब देखो तुमको समझना पड़ेगा, मैग्नीशियम का पूछा जाए कि बताओ इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, तो अब देख के 48 ग्राम नहीं बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते हैं देखो क्या बात है, बोलोगे कि 32 ग्राम, ध्यान समझना 32 ग्राम O2 कंबाइन विथ, 32 ग्राम O2 कंबाइन हो रहा है कितने ग्राम मैग्नीशियम के साथ, तो क्या बोलोगे 48 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम।
यानी कि 32 ग्राम जब O2 कम्बाइन हो रहा 48 ग्राम मैग्नीशियम के साथ, तब जाके ये बन रहा है क्या, उससे क्या मतलब है? मुझे तो मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट वेट चाहिए, कितना होगा? तो याद रखिए डेफिनेशन ये है बच्चे लोग, कोई भी सब्सटेंस का मास अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन से जो कंबाइन होगा उसको इक्विवेलेंट वेट बोलेंगे। कोई भी सब्सटेंस का मास अगर 35.5 ग्राम Cl2 से कंबाइन होगा तो उसको बोलेंगे उसका इक्विवेलेंट वेट। कोई भी सब्सटेंस का मास अगर 8 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन होगा उसी को बोलेंगे इक्विवेलेंट वेट। तो क्या ये 8 ग्राम से कंबाइन है? ये मैग्नीशियम का वेट है जो कि कंबाइन किससे किया गया, 32 ग्राम से कंबाइन किया गया, तो ये इक्विवेलेंट वेट नहीं होगा। इक्विवेलेंट वेट के लिए क्या चाहिए हमको? 8 ग्राम से कंबाइन होना चाहिए वो। तो 32 ग्राम O2 कंबाइन विद 48 ग्राम मैग्नीशियम, तो एक पर कितना निकालोगे? 32 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, लेकिन तुमको कितना चाहिए इक्विवेलेंट वेट के लिए? कितना सब्सटेंस का मास कितना ग्राम से कंबाइन? 8 ग्राम। तो देयरफॉर 8 ग्राम मैग्नीशियम कंबाइन विद 48 बटे में 32। हाँ बोलिए बोलिए। अच्छा सर, 8 ग्राम मैग्नीशियम कंबाइन किसके साथ होगा? तो 48 बाई 32 मल्टीप्लाई कर दोगे 8, तो फाइनल कितना हो जाएगा? 8 से करा दोगे तुम लोग कितने बार में? 4 बार में, 4 से ये 12 बार में। तो इसका मतलब ये हो गया बच्चे लोग कि मैग्नीशियम का जो इक्विवेलेंट वेट आएगा इस रिएक्शन के अंदर 12 ग्राम होगा। बस समझ में आ गया? तो इसका मतलब यही आपके पास है, कोई भी सब्सटेंस अगर आप किसी का भी अगर इक्विवेलेंट वेट निकालना चाहते हैं, इक्विवेलेंट मास निकालना चाहते हो, तो कोई भी सब्सटेंस का मास अगर कंबाइन होगा 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ, 35.5 ग्राम क्लोरीन के साथ, 80 ग्राम ब्रोमीन के साथ, या फिर 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, जैसे यहां पर 32 ग्राम से कंबाइन था इतना मैग्नीशियम का मास, तो इसको इक्विवेलेंट वेट नहीं बोलेंगे। इक्विवेलेंट वेट के डेफिनेशन दिया गया था कि जो 8 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन होगा, तो 8 ग्राम पे निकाल दिए, 8 ग्राम पे 12 ग्राम कंबाइन हो रहा है, तो इसका मतलब है मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट वेट 12 ग्राम होगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। हाँ बोलिए। सीएल होगा, Cl2 नहीं, वो ऑक्सीजन के, हाँ बिल्कुल 35.5 पे चेक करेंगे। एक क्वेश्चन दे रहा है और तुम लोग देखो कितना हो रहा है, इसको मिटा रहे हैं, नोट कर ली सब लोग? चलो एक क्वेश्चन हमारा ये है, N2+3H2, मतलब मैंने ही बैलेंस कर दिया, बढ़िया है तुम लोग के लिए। अमोनिया फॉर्म हो रहा है, तो आपको ये बताना है कि इसमें नाइट्रोजन का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, चेक करके बताओ। तो तुम लोग यहां पे सबका बन गया कि किसी एक का भी तो ऐसा होगा जो बच्चा लोग नहीं बना होगा, उसके लिए ये रहा। एक नाइट्रोजन का वेट होता है 14, दो नाइट्रोजन के लिए क्या होगा, तो 28 तो बनता है, 28 ग्राम नाइट्रोजन और 3 ग्राम हाइड्रोजन, मतलब 6 ग्राम। एक हाइड्रोजन का वेट 1 होता है तो 6 लोगे तो 6 ग्राम होगा। तो डेफिनेशन क्या है बच्चे लोग? डेफिनेशन ये है कि 1 ग्राम हाइड्रोजन जितने मास ऑफ नाइट्रोजन से कंबाइन होगा उसी को बोलेंगे इक्विवेलेंट वेट। तो क्या बोलेंगे, 6 ग्राम हाइड्रोजन कंबाइन हो रहा है 28 ग्राम नाइट्रोजन से, तो 1 ग्राम ही तो चाहिए हमको, तो 28/6, क्योंकि 1 ग्राम हाइड्रोजन जितने वेट से कंबाइन होगा किसी भी एलिमेंट से उसी का एटॉमिक उसी का इक्विवेलेंट वेट कहलाएगा, तो 14/3। समझ में आएगा बच्चे लोग ये? हाँ। H2 का नहीं निकला, 1 ग्राम हाइड्रोजन जितने नाइट्रोजन के मास से कंबाइन होगा उसको ही इक्विवेलेंट वेट बोलेंगे। वहां पर 3-4 एलिमेंट लिखे थे ना, जो भी जस्ट मिटा है हम, 8 ग्राम ऑक्सीजन जिस मास से कंबाइन होगा उसको इक्विवेलेंट वेट बोलेंगे, हाइड्रोजन का थोड़ी ना निकलेगा। तब देखो बच्चे लोग ऐसे करके हम लोग क्या करते थे, पहले के जमाने की से बात कर रही, इसे पहले निकालते थे, रिएक्शन लिखते थे, फिर उसके बाद इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो रिएक्शन में देख के निकाल देते 1 ग्राम 8 ग्राम। लेकिन ये एक और क्वेश्चन लिख दे, लिख लीजिए, कैल्शियम, कैल्शियम ये लो, कैल्शियम कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ तो बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड, बट ये भी रिएक्शन अभी बैलेंस में नहीं है, 2 यहां लगा दो 2 यहां लगा दो,
चेक करो तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, कैल्शियम का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा? कैल्शियम का कितना लिखो इक्विवेलेंट वेट, और चेक करते हैं इसका कैसे निकालेंगे इक्विवेलेंट वेट। पहले बताओ तो इसका कितना लिखो वेट टोटल, जो बना लिए जो बना लिए वो नहीं बोलेंगे इसका आंसर सही है, जो नहीं बना है वो बताएंगे। इसका वेट निकाले होगे तो कैल्शियम का अकेले 40 होता है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 80 हो गया होगा, और ऑक्सीजन का निकालोगे तो 16, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 32, तो 32 ग्राम से जो वेट कंबाइन होगा इसको इक्विवेलेंट वेट नहीं बोलते, जो 8 ग्राम से कंबाइन होगा उसको बोलते हैं। तो अब जाहिर सी बात है कि 8 इसको करना है तो किसे डिवाइड कर दिया जाएगा 8 होने के लिए, आगे समझ में, 8 लाना है तो 4 से डिवाइड कर दो दोनों को, तो ये हो गया तुम्हारे पास 8 और ये हो गया 20। इसका मतलब है कि 8 ग्राम ऑक्सीजन 20 ग्राम कैल्शियम से कंबाइन होगा तो इसको इक्विवेलेंट वेट कहते हैं। बट ये थोड़ा सा मुश्किल था, काफी मेहनत करना पड़ता था, एक रिएक्शन बनाओ, बैलेंस करो, फिर चेक करो किसके साथ कंबाइन हो रहा है मास, तो इतना टाइम तो किसी के पास नहीं है, इसलिए बाद में इसका शॉर्टकट फॉर्मूला भी निकाला गया। वही बता रहे इक्विवेलेंट वेट के लिए देखो कौन सा फॉर्मूला हमारे पास है, ये बस याद रखना, इनिशियल डेफिनेशन तो यहीं से स्टार्ट किया गया था इक्विवेलेंट वेट के लिए। अब देखो हमारे पास जो डेफिनेशन है इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू, अब हम लोग इसी पे काम करेंगे, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलर मास और बटे में होता है एन फैक्टर, मोलर मास बटे में एन फैक्टर को बोलते हैं इक्विवेलेंट वेट। कहेंगे कि हमें कैसे मालूम चलेगा कि ये फॉर्मूला हमारे लिए सही है, तो एग्जांपल तो आपके पास है, अभी आप जो एग्जांपल पहला लिए थे मैग्नीशियम लिए थे, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाए थे मैग्नीशियम ऑक्साइड, और मल्टीप्लाई किए थे 2 से यहां पर और 2 से यहां पर, सब कुछ बैलेंस करके। चलो अब हमको ये चेक करना है इसमें, आप देखो तो इस रिएक्शन के थ्रू इक्विवेलेंट वेट कितना निकाले थे मैग्नीशियम का, 24 शायद 12 निकाले थे, देखो तो कितना निकल के आया था, चलिए इक्विवेलेंट वेट 12 ग्राम हमारे पास आया था। अब आपसे पूछने जा रहे हैं कि आप इस फॉर्मूला से भी निकाल के दिखाइए इसी क्वेश्चन को, मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट वेट 12 होगा, ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट निकालने जा रहे हो मैग्नीशियम का, तो मोलर मास बताओ मैग्नीशियम का मोलर मास कितना हो जाएगा, सिर्फ मैग्नीशियम का पूछ रहे हैं, बस 24 ही लिखेगा, और एन फैक्टर अभी तो एन फैक्टर थोड़ा सा आपको कैलकुलेट करना सिखाया था, एन फैक्टर मैग्नीशियम के लिए कितना होगा, मैग्नीशियम एक मेटल से ध्यान रखिएगा, और मेटल्स का एन फैक्टर, हाँ 2, कटाओ सीधे यहां से कितना हो गया ये 12, लो एक लाइन में निकल गया, बिना बैलेंस करने का झंझट, किसी तरह का कोई झंझट नहीं, बस आसानी से बस फॉर्मूला पढ़ के तुरंत निकल गया हमारा, तो इसी से हमारा क्या होगा इसमें फायदा होगा। लेकिन एक चीज आपको और बता दें, कभी आपको अगर N2 का अगर इस तरह के क्वेश्चन को निकालना पड़ेगा तो वहां पर चेक करते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी चेक करना पड़ता है, जैसे सपोज करो N2 प्लस 3H2 और एरो के बाद लिख रहे हो 2NH3 और मुझे इक्विवेलेंट वेट मालूम करना, तो यहां पर हमने मालूम किया था कितना था 14/3 आया था, लेकिन इस फॉर्मूला से कैसे निकालेंगे इसको, हम लोग तो ये चीज तो जानते हैं मोलर मास तो मुझे पता है N2 का रख देंगे, लेकिन N फैक्टर क्या रखोगे, N2 N फैक्टर मॉलिक्यूल्स के लिए तो N फैक्टर आपको पता ही नहीं क्या होता है, तो देखो इस कंडीशन में N फैक्टर को कैसे निकालते हैं वो भी समझा जाए। इक्विवेलेंट वेट निकालोगे ऑफ N2 का, मतलब नाइट्रोजन का है तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले देखो यहां पर ध्यान से इसका आपको रखना पड़ेगा मॉलिक्यूलर वेट, तो 28 आएगा N2 का, तो अब चेक करो बच्चे लोग इसमें इक्विवेलेंट वेट हम लोग निकाल रहे हैं नाइट्रोजन का इसमें, तो बटे में क्या लिखेंगे, इसमें एन फैक्टर कितना होगा, तो इस रिएक्शन से चेक करना पड़ेगा इसमें एन फैक्टर कितना है, तो इस रिएक्शन में कैसे चेक करते हैं, तो आप यहां पे चेक करेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर, ये नाइट्रोजन अभी किस फॉर्म में था, अभी इसका ऑक्सीजन स्टेट क्या था और किस फॉर्म में चला गया है, तो यहां पर एन फैक्टर जो होता है वो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज ऑक्सीडेशन नंबर के भी इक्वल होता है, अगर आपके पास कोई इस तरह के रिएक्शन मिल जाएंगे तो खैर यहां पर जीरो हो जाएगा,
तो केन टू है सिंगल फॉर्म में, यहां पर कितना हो जाएगा, तो हाइड्रोजन पर वन चार्ज होता है तो वन इंटू थ्री, नाइट्रोजन को तुम लोग एक्स मान लो, टोटल हो जाएगा जीरो, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी यहां पर माइनस थ्री। एक मिनट एक मिनट, तो जीरो से माइनस थ्री में कितना का चेंजिंग है, कोई चीज जीरो से जब माइनस थ्री आ रहा है तो थ्री का चेंजिंग हो रहा है, वो तो सिर्फ एक नाइट्रोजन के लिए, ध्यान रखिएगा आपके पास यहां पर दो नाइट्रोजन है तो एक के लिए चेंजिंग थ्री लिख रहे हो, तो दो के लिए चेंजिंग आपके पास कितना हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा। तो यही प्रॉब्लम क्या पुट करना, सिक्स होगा और ये कंसीडर होने के बाद मत आना, 14/3 हो जाता है। देखो फिर से अगर हम लोग ऐसे रिएक्शन कर नहीं मिलेंगे, आप लोगों को टेंशन की जरूरत नहीं, सॉल्यूशन केमिस्ट्री में तो अभी क्या अमोनिया गैस वही नहीं बनाओगे, सॉल्यूशन गैस में, सॉल्यूशन में आपको इस तरह के क्वेश्चन नहीं मिल पाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन होंगे तो कैसे फाइंड करोगे, इक्विवेलेंट वेट निकालना है यहाँ पर नाइट्रोजन के लिए, तो इसका पहले नाइट्रोजन का जो भी आपके पास होगा एटॉमिक मास ऊपर लिख दो, जो भी मॉलिक्यूलर है तो मॉलिक्यूलर मास लिख दो ऊपर। नीचे क्या लिखेंगे बच्चे लोग, तो इसमें लिखेंगे एन फैक्टर, और इस कंडीशन में एन फैक्टर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इस रिएक्शन के थ्रू एन फैक्टर को निकालना है, तो आपको बस चेक करना पड़ेगा कि नाइट्रोजन अभी किस फॉर्म में था और किस फॉर्म में चला गया, इसमें मतलब चेंज करना पड़ता है, चेंज इन ऑक्सीजन नंबर चेक करना पड़ता है। यहां पर जीरो है, क्यों जीरो है, क्योंकि नाइट्रोजन देखो N2 के फॉर्म में है, अगर हम पूछेंगे कि इस पे नाइट्रोजन का ऑक्सीजन स्टेट बताओ तो सिर्फ नाइट्रोजन ही है, x मानोगे तो 2x हो गया, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है, जीरो, तो x की वैल्यू वैसे भी जीरो आएगी। तो यहां पर दो नाइट्रोजन के बीच में अगर हम पूछेंगे आपसे, बताओ कि दो नाइट्रोजन के बीच में कौन सा चार्ज आएगा, तो दोनों सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जितना पावरफुल ये उतना ही पावरफुल ये, तो इलेक्ट्रॉन इसके बीच में कहीं भी डिस्प्लेस नहीं करेगा, इसके ऊपर कोई भी चार्ज कभी नहीं आएगा, इसलिए यहां पर नाइट्रोजन का चार्ज जीरो है। लेकिन अब इस केस में चेक करो NH3 में क्या लगता है, उस केस में नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज जीरो होगा, नहीं हो सकता है। देखो तीन में आपके पास हाइड्रोजन है बगल में, और नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इससे भी एक इलेक्ट्रॉन लेगा, इससे भी एक इलेक्ट्रॉन लेगा, और इससे भी इलेक्ट्रॉन लेगा, तीन इलेक्ट्रॉन अपने तरफ लेगा, तो इसके ऊपर तीन माइनस चार्ज आ जाता है। तो वही चीज आपको बता रहे थे, या तो आप ऐसे देख के निकाल सकते हो, और नहीं तो नाइट्रोजन को एक्स मान लो और हाइड्रोजन का चार्ज वन होता है तो वन इंटू थ्री करके जीरो कर लो, तो यहां से भी एक्स का वैल्यू निकालोगे तो माइनस थ्री आएगा। तो हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि नाइट्रोजन यहां पर किस फॉर्म में था, उधर कितना चला गया, तो जीरो से चला गया माइनस थ्री में, जीरो से माइनस थ्री में जो चेंजिंग है वो सिर्फ एक नाइट्रोजन के लिए है, आपके पास N2 है तो N2 के लिए चेक करो, दो नाइट्रोजन के लिए चेक करोगे तो थ्री है, थ्री दो बार लिखोगे तो सिक्स हो जाएगा, इसलिए हम यहां पर सिक्स लिखे हुए। फाइन, तो बस इतना ही मेहनत करना, मोलर मास और इसके एन फैक्टर को निकाल। चलो देखो, तो इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करोगे सारे क्वेश्चन के लिए, तो फर्स्ट हम देखो बता रहे हैं कैल्सियम कार्बोनेट का, बच्चे लोग इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करोगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्सियम कार्बोनेट, चलो बताओ। तो पहले इक्विवेलेंट वेट का भी जस्ट फॉर्मूला क्या होता है, मोलर मास, तो मोलर मास किसका, कैल्सियम कार्बोनेट, और एन फैक्टर चाहिए किसका, तो ये भी CaCO3 का ही चाहिए। चलो बताओ तो मोलर मास CaCO3 का कितना आता है, बोलो चलो, कैल्सियम 40, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16 × 3 = 100, चलो वेरी गुड, ये टोटल 100 हो जाएगा आपके पास। और ये बताओ तो ये क्या है, CaCO3 क्या होता है, सॉल्ट होता है, आपको अभी सॉल्ट कैसे है, क्योंकि इसको बनाने में याद रखना एसिड और बेस मिला होगा, अगर हम पूछे कि कैल्सियम कार्बोनेट में कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, तो कौन सा एसिड है, CO3 किस एसिड के अंदर आता है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड का मिक्सचर है ये, और CaOH का होल्ड ट्वाइस ये आपके पास बेस है, तो एसिड बेस से ये सॉल्ट बना है। अब इस सॉल्ट के लिए आपको क्या करना है, ये सॉल्ट के लिए मालूम करना है एन फैक्टर, तो सॉल्ट के एन फैक्टर क्या बताए थे हम, आप देख लीजिए इसके ऊपर, हाँ तो पहले बताओ कि कैल्सियम का कितना चार्ज होगा और कार्बोनेट पे कितना चार्ज आता है, हाँ तो वही 2- ही होता है, लेकिन हमें मॉड लेना है इसलिए प्लस पॉजिटिव ही हो जाएगा। अब 2 और 2 कैल्सियम कितना हो जाएगा, 2 ही रहेगा, तो यहां पर 2 पुट कर दो और डिवाइड कर दो यहां पे, तो आपके पास आ जाएगा 50। इक्विवेलेंट वेट जब आप निकालेंगे कैल्सियम कार्बोनेट का तो वो 50 हो जाएगा। बस देखो इक्विवेलेंट वेट H2SO4 कितना होगा, तो इक्विवेलेंट वेट यहां पर एसिड है, एसिड के लिए एन फैक्टर बताया था कैसे निकालते हैं, तो
देखो तो मुझे चेक करके बताओ तो कितना होगा जल्दी से फास्ट। H2SO4 का इक्विवेलेंट, H2SO4 का इक्विवेलेंट पूछ रहे हैं। हाँ चलो वेरी गुड, 49 आएगा। हाँ जी बिल्कुल सही है, 49 ही होगा इसका आंसर होगा। इक्विवेलेंट वेट निकालोगे H2SO4 का तो पहले मोलर मास निकालोगे, मोलर मास होता है 98 और चेक करोगे यहां पर एन फैक्टर होता है बेसिसिटी। बेसिसिटी कितना है आपके पास है? 2H प्लस है, 2 से डिवाइड कर दो, ये हो गया 49। चलो NaOH का बताओ इक्विवेलेंट वेट कितना होगा। हाँ वेरी, इक्विवेलेंट वेट NaOH का निकालोगे तो इसका मोलर मास निकालोगे तो 40 आ जाएगा। 23 होता है सोडियम, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, टोटल 40 हो जाएगा। और डिवाइड किसे करेंगे? एन फैक्टर। तो NaOH के एन फैक्टर कितना लिखा जाए? 1 है, बस 40 हो गए खत्म। चलो बताओ तो इक्विवेलेंट वेट NaCl। तुम लोग समझ में आ रहा है जिया और निशा? चलो 58.5 लगा सही है, 23 और 35.5 और इसका एलसीएम लोगे क्योंकि NaCl तो एक सॉल्ट है, Na का चार्ज 1, Cl का भी चार्ज 1 और 1 कैल्सियम 1। हाँ सही है, 58.5 ही होगा। HCl का 36.5, चलो वेरी गुड, वो भी सही है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl 36.5। HNO3 के बताओ बच्चे लोग, 69, 63, एक मिनट, नाइट्रोजन का कितना होता है? 14, 48, 1। हाँ 63 आएगा सही है। और मैग्नीशियम क्लोराइड चेक कर लो, मैग्नीशियम 47। अच्छा 2 से डिवाइड भी तो करना है ना आपको, यानी कितना हो जाएगा इसमें? मैग्नीशियम के लिए निकालोगे तो 24 लिखे होगे, 35 35 हो जाएगा तुम्हारा कितना, 71 ना, और एक हाँ 95/2 हो जाएगा, यानी कि 4 और 7.5, 47.5 आ रहा है, यही आंसर होगा।